आप देख रहे हैं SJM न्यूज़, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शेर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में बाजीपुरे का भाग है, वार्ड नंबर 60 में आता है। आप देख सकते हैं माजी नगर सेवक जफर बिल्डर साहब भी खड़े हुए, तमाम महिला खड़े हैं और आज विकास के काम चल रहे हैं। चलिए, विकास के काम को लेकर अहलियाने महल्ले का क्या कहना है, कितने काम से खुश है, क्या कहना है, क्या कारगुजारी है, जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे आज? देखो, ये आज जो काम चल रहा है वार्ड नंबर 60 के अंदर, जो ये 19 नंबर से जो पानी आता था, कई सालों का मसला था ये, और पूरी पब्लिक जो है तो परेशान थी। लेकिन अभी जफर भाई ने उसको जो है तो ये एक महीने डेढ़ महीने के अंदर बहुत मेहनत की है, फाइल को इधर उधर अधिकारियों के पास जाके लेके सब करके उसको सेंक्शन करे और काम को आज स्टार्ट हो गया। अभी खुद काम करके जो है तो पाइप डालना चालू है और उनकी बेताशा मेहनत रही है और लोग भी उनके पीछे जो है तो बिल्कुल लगे रहते हैं और वो भी लोगों के लिए जो है तो काम करने के लिए हर वक्त पेश रहते हैं। मतलब सर, इनके बारे में ये भी कहा जाता है, जो भी कहते हैं ये काम नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखो कैसा रहता है, काम करने वाले को तो हमेशा विरोध रहता ही है और जो भी विरोध और जो लोग बोलते होंगे, अपोजिशन वाले बोलते, बाकी उनके जो ग्रुप के लोग हैं, उनके जो लोग हैं, पब्लिक जो है मतलब प्रॉपर की, वो कभी उनके खिलाफ नहीं बोलती। अगर बोलते भी होंगे उनके अपोजिशन वाले बोलते होंगे, ऐसा मोहल्ले के लोग कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने उनकी कारगिरदगी में उनके 5 सालों के पीरियड में भी बहुत काम किए और वापस अभी उनके पास कुछ ना होते हुए भी जो है तो अभी काम जारी है उनका और काम जारी कर अभी उसके सबूत सामने ही अपने, जो 19 नंबर से जो हमेशा किरकिरी है वो ख़त्म कर दिए उन्होंने। आपको लगता है दोबारा चुनकेंगे? बिल्कुल, वो भी अच्छी लीड से चुन के आएंगे वो और सब लोग उनके लिए बहुत मेहनत करेंगे। मतलब ये आपका आश्वासन है? नहीं, पक्का हमारी भूमिका है ये उनके लिए, भूमिका आश्वासन नहीं है, आश्वासन उन्होंने भी नहीं दिए ना हमको कभी, उन्होंने काम करके दिए, इसलिए हम भी जो है तो उनको हमारी एक भूमिका के रूप में जो है तो उनको हम चुन के लाएंगे। मतलब आपका शुभनाम, आपका नाम? मेरा नाम अजीज़ खान। मेरा नाम सलीम बिन हिलाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह जफर भाई ने ये काफ़ी सालों की जो हमारी दिक्कत थी, जिसके अंदर हमारे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते थे, अरबी जाते थे और दो मस्जिद का रास्ता इसी की तरफ से आता है, मस्जिद के जो नमाजी लोग थे उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, काफ़ी चंबर की लाइन के प्रॉब्लम था यहाँ पर, ये ड्रेनेज लाइन का और ये नल की लाइन का प्रॉब्लम था और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं होने वाला काम जफर भाई ने करा है माशाल्लाह। और बड़ी पाइपलाइन डाली है यहाँ पे, जो कि आचार संहिता लगने वाली है और लग चुकी है, उसके बावजूद ये काम हो रहा है, इसलिए हम जफर भाई का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाईजीपुर में 99% पूरे काम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी पूरे रस्तों के, ड्रेनेज के, हर चीज़ का काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक काम बचा हुआ था और वो भी जफर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है, इसके लिए हम उनका शिकायत नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं। हमारा नाम हारून भाई है, हारून शाह है। ये हमारे को जो है तो बहुत सालों से तकलीफ थी, पूरा ड्रेनेज का पानी आता था, गली नंबर 19 से लेके तो 14 नंबर 13 नंबर पूरा पानी की परेशानी होती थी। अगर ड्रेनेज लाइन भी भरी तो पूरा पानी गलियों में आता था, पूरी गंदगी फैल जाती थी और कभी ऊपर का भी पानी, बारिश का भी आया, किसी के नल भी आया तो पूरा गंदे पानी का सामना हमारे को करना पड़ता था। ये मसला बहुत डेंजर था। ये सलीम, ये जफर भाई ने क्या करे, इसको काम को अंजाम दिए और बहुत मेहनत मशक्कत करके ये काम को करे उन्होंने, तो इसलिए हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आगे के बारे में क्या कहेंगे इनके बारे में? आगे के बारे में उनको जब भी हम फ़ोन करते, जब भी आ जाते, जब भी कोई मसला रहा तो जब भी आ जाते जफर भाई, और इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार हमारा काम किया, जब वो नगर सेवक थे जब भी करे, और आप नहीं है लेकिन फिर भी अभी भी उससे ज़्यादा काम करते हो। अच्छा, आपसे फ्रेंक सवाल कर रहा है, कल को इलेक्शन में खड़े रहेंगे, कोई भी पार्टी चुन के आएंगे, आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, नहीं आए तो हम लाएंगे उनको, पब्लिक लाएंगे ना, कैसे नहीं आएंगे वो? मतलब कॉन्फिडेंस है आप पे? कॉन्फिडेंस है पूरा, क्योंकि वो काम बताता कॉन्फिडेंस, हम नहीं बताते, हम लाएंगे उनको, कैसे नहीं आएंगे वो? नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्यों तो हमारे भाई को हर चीज़ का तजुर्बा हो चुका है, उनको हर चीज़ की मालूमात हो गई है और कहाँ किसी से कैसा काम करवाना है, कॉरपोरेशन के अंदर भी तो हर चीज़ की उनको मालूमात हो गई। अब कोई नए आदमी को हम नहीं देना चाहेंगे मौका इंशाल्लाह। काम करने वाले को पार्टी के सिंबल की गरज नहीं होती सर, जो चल रहा है ना अभी, कभी किसी को पार्टी के टिकट मिला वो चुन के आएगा, ये इससे चुन के आएगा, हर कोई काम करने वाले को किसी पार्टी के सिंबल की गरज नहीं होती, उसका काम उसका सिंबल रहता है मतलब, और उसके काम की बुनियाद पे वो जो है तो पब्लिक उसको लाइक करती है और वो ज़रूर जो है तो चुनकर आ सकता मतलब, तो उसमें से एक जफर भाई का नाम चलता है मतलब, और वो इंशाल्लाह ज़रूर चुन के आएंगे मतलब। 19 नंबर का जो पानी आता था बहुत तकलीफ थी, जफर भाई ने पूरा काम, पूरी नाली का संक्षण करे इधर से और अच्छा काम करे उनने, ढापे वापे 5 फीट के जो थे वो भी पूरे डायरेक्ट कर लिए उनने, पूरे डाल दिए, नाली बना के सब करके
सब बिठा दिए उन्होंने। उनके काम काज से खुश है? उन्हें हाँ काम से खुश है ना, क्यों नहीं, उन्हें एक बोलने पे आते ना, आते ना। हाँ ऐसे नहीं बोलते कि मैं आ रहा हूँ, नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, काम आते, काम आते। मेरा नाम शेख रहमत है, 12 नंबर गली में रहता हूँ। सबसे पहली बात, उन्होंने बड़ा काम ये करे, उन्होंने पहले बड़ी नाली थी, उन्होंने ये नाली खोद कर उन्होंने बड़ी लाइन डाल ली है, ये बहुत बड़ा काम करे। स्टार्टिंग आए थे जब नगर सेवक बन के वो, पर उन्होंने ये काम बहुत बड़ा करे थे और उसके बाद ये काम करे, बहुत बड़ा काम करे उन्होंने। और ये इंशाल्लाह हम उनका चुन के लेंगे रोड के। क्या कहेंगे इनके काम काज से लेके? जफर बिल्डर जो है तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा भी 10 नंबर के नाली का गंदा जो बहुत हो गया था, उन्हें बहुत अच्छा ढापे डालकर बहुत अच्छा काम करे। और उनकी अच्छी ये दिलचस्पी है और वो दिलो जहाँ से भाग दौड़ करते। और ये जो है तो यहाँ पर 12 नंबर के भी जो गली का जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एकदम अर्जेंट में जो है तो काम शुरू कर दिए, जो क्योंकि और किसी को भी मालूम नहीं था और अचानक जो है तो काम चालू होगा और वो बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए बहुत ठीक। हम ये चाह रहे हैं कि भाई जफर भाई जो किया हुआ काम है वो भी देखो, ये जो ये पुराना काम देखो, आज तक जब से काम किया हुआ है वहाँ तक है वो नए काम तो जारी है। ये जरा बाजू हटो, तुम बाजू हटो, ये सीमेंट का रोड बताओ, आप वो रिक्शा खड़े हुआ नीचे बैठ के बताओ, क्या कहेंगे आज ये काम को लेकर? आप भाई हमारा घर तो 7 नंबर वार्ड के अंदर, यहाँ पर हमारा घर है 12 नंबर के अंदर। अच्छा, रहने को तो यहीं छे घर पे। उस दिन मतलब चांद रात के दिन ईद लगने से पहले, मतलब रोजे रखने से पहले, अच्छा यहाँ इतना गंदा पानी बह रहा था। एक फ़ोन मारे जफर भाई को, जफर भाई यार भाई मैं बोला ऐसी ऐसी बात हो गई, तो बोले कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर है, तो जफर भाई दो मिनट में मेरे पास है। उन्होंने उनके हाथ से काम करके दिए यहाँ पर, फिर भी उन्होंने वर्कर बुलाया। रात में तकरीबन नहीं बोले तो 10 बज रहे थे, 10 बजे के टाइम इतना गंदा पानी आ रहा था नल का भी और उसका भी, तो उतना काम करके दिया उन्होंने। फिर भी हम इंशाल्लाह उनको लाने की ताकत रखते हैं और काम अलहमदुलिल्लाह इतना अच्छा काम करे उन्होंने जिसकी मिलता नहीं हमारे पास। सर क्या कहेंगे आज पब्लिक से बात? मैं तो इंशाल्लाह पब्लिक के कहने के बाद में कुछ कहना नहीं चाहता, जो कहना था मेरी वार्ड की आवाम ने कह दिया। अब इसके आगे मैं कुछ कहूँगा तो ये गुस्ताखी रहेगी, तो मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं नो कमेंट्स। जो मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे महल्ले के ज़िम्मेदार थे, इन्होंने जो बोलना था बोल दिया और जो भी कहना था दिल से कहा जी। कोई इसमें बनावटी बात थी नहीं, कोई पैसे दे के ख़रीद के लाई गई पब्लिक थी नहीं, और किसी की भी ज़ुबान से कुछ अल्फाज निकालना ये किसी के बस की बात नहीं, ये दिल से निकलते, तो जो इनके दिल के तासुरात थे वो निकले। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता। हमारे ऐसे 11 बजे रात में आकर काम करके गए, बहुत बड़ी बात है। कोई नगर सेवक आता नहीं आज की पीरियड में, कोई नगर सेवक ने फ़ोन मारे तो कहा है भाई अरे यार मैं थोड़ा बाहर है, कहा है हैदराबाद में, किधर है बम्बई में, यहाँ चला हमको रात में 12 बजे परेशानी हो रही है। जफर भाई कहाँ पे रहे भाई? तो बोले 2 मिनट में पहुँचे। 2 मिनट में पहुँचने के बाद हमारा 12:30 बजे सब काम खत्म हो गया यहाँ पर। इतना होने के बाद नगर सेवक काम करके दिया, बोले बहुत बड़ी बात है हमारी नज़र में। देखिए इस तरह से 60 नंबर वार्ड बाजीपुरे के अंदर ये जनता की ज़बानी है, अच्छी बात है, विकास के काम हो रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम भी शहर में पर घूमते हैं। पर अखलाक तौर से सबसे गुजारिश करेंगे कि जैसे जफर बिल्डर साहब काम कर रहे हैं, तमाम लोग जो इच्छुक उम्मीदवार हैं लड़ना चाहते हैं कि देखिए जब तक आप जनता का दिल नहीं जीतेंगे नहीं, आप चुन के नहीं आ सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बिरयानी की देख बना लेंगे, गांधी जी के दर्शन करा देंगे या हमारे पीछे बहुत बड़ा पार्टी गार्ड रहेगा। एक साहब ने बड़ी प्यारी बात की है साहब ने कि एक काम सिंपल होता है, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है इन्होंने। तमाम औरंगाबाद के इच्छुक उम्मीदवार हैं, ये चर्चा की बात को गौर करो आप कि आपका काम, आपकी काबिलियत आपका निशानी रहती है। आप ये नहीं बोलेंगे मैं बड़ा पार्टी का है, मेरे सर पे बड़ा पार्टी लीडर का हाथ है, आप चुन के आ जाएंगे, ये गलत है, मुझे इसे निकाल दीजिए। लोग होशियार हो गए, ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, जो काम करेगा चाहे कोई भी बंदा रहो जीत के आएगा, ये जनता की मन की बात है। उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए आप एस डब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मेरा जो जवान देखिए अलहमदुल्ला मैं उसको पूरा करता था, मैंने यकीन मानू मैं रोजे की हालत में देखा सलीम भाई, मैंने रोज़ा रख के ये फायदा से हाथ में लेके 3 दिन पर भागा महानगर पानी का, और ये फिक्र में भागा कि कहीं आचार संहिता ना लग जाए। उससे पहले काम मेरी फिक्र ये थी अगर आचार संहिता लग जाएंगी तो ये काम अपना मैंने चलूंगा, और मेरी जवान मैंने लोगों को दिया उनकी आवाज़ कैसे खाली चले गई, ज़ाया चले गई। ये वजह से जो है तो मैंने बहुत भागदौड़ करा अलहमदुल्ला, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज काम चालू होगा। अब 19 से आने वाला पानी, 18 से आने वाला, 17 से आने वाला, ये तमाम पानी जो है तो इसको मोटर में चल जाएगा।